राष्ट्रपति महोदय, अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण एवं मेरे प्रिय साथी मित्र, मैं आज आपके समक्ष 71 आरआर के बुनियादी प्रशिक्षण के अपने अनुभव को प्रस्तुत करते हुए गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ। महोदय, 42 हफ्तों का बुनियादी प्रशिक्षण हमें जन सामान्य से वर्दीदारी जनसेवक के रूप में परिवर्तित करने का बहुआयामी प्रकल्प था। आईपीसी सीआरपीसी जैसे वैधानिक विषय, इन्वेस्टिगेशन जैसे पुलिस संबंधित विषय एवं फॉरेंसिक्स जैसे संलग्न विषयों को मिलाकर कुल 15 विषयों के ज्ञान ने हमें बौद्धिक रूप से सक्षम बनाया। शारीरिक प्रशिक्षण एवं ड्रिल ने हमें शारीरिक रूप से मजबूत किया और घोड़सवारी, शस्त्र प्रशिक्षण, तैराकी, अनाम कॉम्बैट, रिवर राफ्टिंग इत्यादि प्रवृत्तियों ने हमारे कौशल्य को नया आयाम देकर हमारे मनोबल को मजबूत किया। महोदय, प्रशिक्षण के दौरान आयोजित चुनावी संबंधीकरण ने हमें लोकतंत्र की बुनियादी चुनावी प्रक्रिया के विविध पहलू से रूबरू करवाया एवं उसमें पुलिस की भूमिका से वाकिफ करवाया। BSF, CRPF, CBI, NIA इत्यादि केंद्रीय पुलिस संस्थानों के साथ किए गए संबंधीकरण ने हमें केंद्रीय स्तर पर कार्यरत कानूनी संगठनों के कार्यों एवं उसमें भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की भूमिका से अवगत करवाया। इन्हीं अनुभवों से हमें कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने में केंद्र और राज्यों की संयुक्त भूमिका एवं उसमें भारतीय पुलिस सेवा का महत्व स्पष्ट हुआ। भारतीय सेना के साथ हमारा एक हफ्ते का अनुभव हमें सदैव राष्ट्र को प्राथमिकता देने में एवं सरहद पर तैनात जवानों की परिवारों की मदद के लिए तैयार रहने में प्रोत्साहित करता रहेगा। महोदय, यहाँ कश्मीर से लेकर तमिलनाडु और गुजरात से लेकर त्रिपुरा संवर्ग के अफसर मौजूद हैं, पर इस प्रशिक्षण और वर्दी ने हम सबको अखिल भारतीय दृष्टिकोण से सुसज्जित किया है। भारत दर्शन ने हमारे इस नए दृष्टिकोण को और व्यापक बनाया। महोदय, 71 आरआर इस बात का भी गर्व ले सकता है कि आज तक के सबसे महत्तम महिला परिवीक्षाधीन अधिकारी हमारे साथ है और उन्होंने पुरुषों के लिए निर्धारित समान मानकों पर उत्कृष्ट परिणाम दिए हैं। महोदय, 1600 किलोमीटर की दौड़ से शुरू हुआ ये प्रशिक्षण जब 16 किलोमीटर की दौड़ पे ख़त्म हुआ तो उसने ये साबित कर दिया कि कोई भी काम हमारे लिए सिर्फ तब तक मुश्किल होता है जब तक हम उसे मुश्किल मानते हैं। बैटल ऑब्स्टिकल असॉल्ट कॉम्बैट में पार किया हुआ हर विघ्न हमें ये विश्वास दिलाता है कि सातत्यपूर्ण परिश्रम से हम किसी भी समस्या को पराजित कर सकते हैं। 15 किलो का बोझ लिए 40 किलोमीटर की रूट मार्च हमारी शारीरिक एवं मानसिक सज्जता का प्रमाण तो है, पर इस रूट मार्च में लिया गया हर कदम राष्ट्र की सुरक्षा के लिए मीलों चलने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। महोदय, 42 हफ्तों के इस प्रशिक्षण के बाद आपके समक्ष प्रस्तुत खाकी वर्दी में सुसज्ज हम सब अकादमी के ध्येय विधान सत्य सेवा सुरक्षणम को हमारा मूल मंत्र बनाकर नए भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। जय हिंद।